पहले हम इसको खा लेते फिर चलते हम गौरी गोपाल आश्रम। ले तेरी काल लग रही देख। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कह रहे हम लोग गुरुजी मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, हम मिल गए हैं। प्रचलन नहीं आते खाने के लिए, सिर्फ घूमने आते कभी कभी। राधे राधे मैया। ये मैया सेवा कर रही हैं, ये अंकल हैं, वो मैया हैं, सारे लोग सेवा करने में लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस बने रहिए कंटिन्यू आज के मेरे ब्लॉग में। आज मैं पैदल जा रही हूँ, आज मैं स्कूटी से नहीं जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आई थी इस मंदिर में पूजा करने के लिए और यहाँ पर बट रहा था प्रसाद, हमें मिल गया है खीर का प्रसाद। देखो ये खीर है, इसने लिया नहीं क्योंकि ये खाती नहीं है। मेरा जो फ्लैट है उसके बगल में ही है। देखो प्रसाद मैया बांट रही हैं उधर साइड में और भोले बाबा हैं, सारे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं भोले बाबा के। तो हम पहले हम इसको खा लेते फिर चलते हैं हम गौरी गोपाल आश्रम, ठीक है। बावड़ी तुझे बहुत टेस्टी चीज है, खा के देख सही, खा के देख। मक्की आ गई खाए हुए पर बार ना खाओ। गाइस बहुत ही टेस्टी प्रसाद है और मंदिर भी बहुत अच्छा है। देखो ये जी मक्की और है। चप्पल उंटी पहने ले रही, देखो खीर खाने के चक्कर में ये मक्की मक्की आएगी खीर पे। देखो कितना बढ़िया मंदिर है, बहुत बड़ा भी है और बहुत प्यारा भी है। इस मंदिर का नाम दिखाऊं तुम्हें क्या है? श्री कृष्ण प्रवाह आश्रम। और रोड पे जाऊंगा खाते खाते। हमारे वो नाए मुँह पे ना रख दे, रू कुत्ता खा लू। ले ले तू मजा आप डर पे तेरी काल लग रहा नहीं देख, खब नहीं रही खीर में रख दे ये कुत्ता का, तुम खा ले रहो बेचारो। खाला 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 वो डर पे गो। गऊ माता देखो कैसे सड़क पर घूम रही है बेचारी। तो भाई आज है हरियाली तीज, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता था हरियाली तीज है आज, मैंने जब परिक्रमा लगते देखे तब मुझे पता चला कि आज हरियाली तीज है। अब तो वैसे भी वृंदावन में भीड़ ही रहेगी, जन्माष्टमी आने वाली है रक्षाबंधन के बाद, तो वैसे भी और ज्यादा ही भीड़ रहेगी यहाँ पे। देखो कितने सारे लोग लगा रहे हैं परिक्रमा, है ना। और दोस्तों यहाँ पे हम बहुत देर से पैदल चल रहे थे परिक्रमा मार्ग में। मैं अपने घर की तरफ से आई थी सुंदरक की तरफ से, तो परिक्रमा मार्ग में ही एंट्री ली थी मैंने सबसे पहले और सामने सीधे जाना है हमें गौरी गोपाल आश्रम की तरफ। तो मैंने सोचा बहुत देर हो गई चलते चलते, थोड़ा माता ही टेक लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं वैसे परिक्रमा पुलिस चौकी के पास से, ये पुलिस चौकी है इधर सामने, अभी दिखाती हूँ और बताती भी हूँ आप लोगों को। मुझे बहुत देर होगी चलते चलते, तो मैंने सोचा आज परिक्रमा नहीं लगा रही हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ मैं ब्रज में रहकर, है ना। वैसे मैं लगाती लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे दर्द हो रहा था पैर में, इस वजह से नहीं लगाया मैंने। और देखो ये सामने लिखा है श्रीधाम वृंदावन, यहाँ पर आके आप खड़े हो जाइए मेरी तरफ मुँह करके, ये पुलिस चौकी है, यहाँ से आप सीधे हाथ पर इधर मुड़ जाइए गौरी गोपाल आश्रम के लिए परिक्रमा मार्ग में। इधर गौरी गोपाल आश्रम है जो जिधर मैं जा रही हूँ फिलहाल अभी। और यहाँ पर जिस दिन से सावन का पहला सोमवार स्टार्ट हुआ उस दिन से रोज़ भंडारा चल रहा है। मैं काफ़ी बार इधर से निकल निकल के भी गई हूँ और काफ़ी बार वीडियो भी बनाने आई हूँ, तो मैंने आप लोगों को जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया भी था आप लोगों को। सावन के पहले सोमवार से यहाँ पर डेली भंडारा चल रहा है, देखो मैं दिखा दे रही हूँ। चावल हैं इन भैया ने चावल लिए हैं, वैसे तो खीर पूड़ी सब कुछ है यहाँ पर। और किसी परदेसी ने बोला था बर्फ़ वाले भैया से बर्फ़ देने के लिए, जितने भी लोगों को हो जाए सबको दे दो। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी भीड़ लगी है, यहाँ तक देखो लाइन है और देखो कैसी छीड़ा झपटी हो रही है बर्फ के लिए, देख सकते हैं बहुत ही आनंद आ रहा है आज ब्रज में। गाइस आप लोग देख सकते हैं वृंदावन में हरियाली तीज का नजारा, जगह जगह पर यहाँ पर भैया भंडारा चल रहा है, कहीं शरबत का तो कहीं पूरी सब्जी का तो कहीं बर्फ का, आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों ने दो जगह आगे देखा ही होगा बढ़ते हुए, ये तीसरी जगह थोड़ी दूर पर घेवर सब्जी पूरी है। देखो जो यहीं के हैं वही खा रहे हैं, परदेसी कोई नहीं खाएगा क्योंकि किसी को पाप लाद के थोड़ू ना ले जाना है ब्रज से, है ना। तो गाइस यहाँ से मुड़ेंगे हम गौरी गोपाल आश्रम के लिए। वैसे तो ये सुनने में आई है कि महाराज जी है नहीं, मैंने भी वीडियो देखी थी, मैं भी फॉलो करती हूँ महाराज जी को, तो ऐसा लगा अनिरुद्धाचार्य गुरु जी यहाँ पे है नहीं, इधर की साइड में जाते हैं उनके आश्रम के लिए। फिर भी चलते हैं देखते हैं, आ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आज हरियाली तीज है तो उनके आश्रम में दिखाऊंगी जाकर क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है।
और आपने परिक्रमा मार्ग का तो माहौल देख ही लिया होगा, कैसी भीड़ थी परिक्रमा मार्ग में? देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ, ये है पुराना वाला आश्रम। सबसे पहले मैं इसमें अंदर चलती हूँ, इधर बांट रहे होंगे गुरुजी खाना। और मैं अंदर आई तो पता चला जस्ट अभी अभी गुरुजी खाना बांट कर गए हैं, इन सारे लोगों ने लिया, संत महात्मा हैं वो भी लेते हैं देखो, जस्ट अभी अभी। मैंने सोचा अगर मिल जाएंगे तो एक रोटी मैं भी खा लूँगी उनके हाथों की, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं कभी भी कितनी भी जल्दी आ जाऊँ गुरुजी मिलते ही नहीं है। कहे भैया भाई, गुरुजी है नहीं यहाँ पे? नहीं, वैसे यहीं पे है ना। मैंने इन भैया से इसलिए पूछा था क्योंकि गुरुजी अभी अभी मुंबई गए थे ना, तो मुझे लगा मुंबई से शायद वापस नहीं आई, लेकिन मैं तो हरियाली तीज की वजह से गौरी गोपाल आश्रम आई थी, लेकिन पता चला गुरुजी तो यहाँ पे हैं। तो चलिए आप लोगों को गुरुजी से मिलाती हूँ, अगर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होते तो मैं आप लोगों को जो यहाँ का माहौल दिखाने आई थी हरियाली तीज वाले दिन का वो दिखा देती, लेकिन गुरुजी बहुत समझो, आज मेरा भी नसीब बहुत अच्छा है जो हरियाली तीज वाले दिन महाराज जी से थोड़ी मुलाकात हुई। देखो ये महाराज जी फ़ोटो खिंचा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, अब कैमरा हज़ार हैं तो बेचारे हज़ारों की तरफ तो नहीं देख पाएंगे, एक दो की तरफ देख लेते हैं बस छुट्टी। ये देखो, ये रहे श्री अनिरुद्धा चार गुरु जी, दर्शन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो भीड़ डेली यहाँ पर ऐसी भीड़ रहती है, चाहे कोई त्यौहार हो या ना हो, बहुत सारी भीड़ रहती है। दो दो गार्ड लगी हैं लेडीज गार्ड हटाने के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि भीड़ कर लेते हैं लोग फ़ोटुओं के चक्कर में, तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी हटाती रहती हैं, बोलती हैं खींच लो एक दो फ़ोटो खींच लो और जाओ, क्योंकि फिर बहुत भीड़ लग जाएगी। और यहाँ तो भीड़ हमेशा रहती ही है, जैसे मंदिर में नहीं रहती वैसी भीड़ यहाँ पर डेली में रहती है, बहुत सारी भीड़। और भाई मैं इतनी भीड़ में तो फ़ोटो खींचने जाती नहीं हूँ, जितने भी आप लोगों ने गुरुजी के साथ मेरे फ़ोटो देखे होंगे वो सारे लास्ट में खींचने जाती हूँ, जब बिल्कुल भीड़ कम हो जाती। मैं बहुत चालाक लोमड़ी हूँ भैया, मैं भीड़ में धक्का मुक्की नहीं खाती, लास्ट में खींचती हूँ फोटो, फोटो भी अच्छे आते हैं और धक्का मुक्के भी नहीं होती। जो कह रहे हम लोग गुरु जी मिलेंगे नहीं, हम मिल गए हैं अभी, हमने सभी मुंबई गई, फिर घूमने गई, चलो देखते चल के मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिल जाएंगे तो ठीक है। आज हरियाली तीज थी ना, इस वजह से और आई थी मैं गौरी गोपाल आश्रम। और ये है गौरी गोपाल आश्रम का राधा कृष्ण का मंदिर, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर गुरु माँ बैठकर भजन भी गाती हैं, कई सारे भजन हैं गुरु माँ ने जो इस मंदिर के पास बैठकर गाए हैं, तो हम भी दर्शन कर रहे हैं और आप लोग भी कर लीजिए दर्शन राधा कृष्ण के। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी भी झोली भरे रखना राधा रानी, जो नहीं देख रहे हैं उनकी भी झोली भरे रखना। ये लिखा है भाई पूछताछ, इस आश्रम के बारे में जिस किसी को भी जो कुछ पूछना होता है वो यहीं पे आके पूछते हैं, ये बहुत अच्छा आश्रम है। और यहाँ पे देखो कितनी सारी भीड़ लगी है, किस वजह से? यहाँ पे तुलसी की माला बिक रही हैं और गुरुजी के फ़ोटो, इस वजह से। इधर देखो खाना खा के निकल रहे हैं। और इस आश्रम में लिफ्ट वगैरह की सुविधा भी है, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके लिए देख सकते हैं, केवल लिफ्ट वृद्धजनों के लिए, विकलांगों के लिए भी। और इधर तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, गुरुजी आते हैं सब लोगों से बातें करते हैं वहाँ पर बैठ के। और अब हम चलते हैं ऊपर, आ ही गए हैं तो चलिए माताओं से भी मिला देते हैं आप लोगों को, वैसे तो नहीं आते कोई बात नहीं। ये देखो माता हैं, कुछ पढ़ रही हैं और ये लड्डू गोपाल राधा रानी उनकी सेवा भी कर रही थी। राधे राधे मैया, राधे राधे। राधे राधे मैया, राधे राधे। अच्छा बैठी है, माला जप रही है, काफी सारे लोग आए हैं मिलने के लिए। वैसे तो गुरुजी के यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है माताओं के लिए, लेकिन फिर भी बुरा लगता है अपनों से दूर रहकर, क्या बीतती होगी उनके दिलों पे जब अपनों से दूर रहती हैं यहाँ पर आकर। मैं यहाँ से बाहर निकल के थोड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को महाराज जी का यहाँ से प्लेट, ये देखो बन रहा है पूरा, ये महाराज जी की छत की जो गैलरी है, इधर माताएं रहती है, इधर की साइड में देखो, ये क्या बोलते हैं छज्जा बोलते हैं ना जिसको, वहीं खड़ी हूँ। और यहाँ से दिखा देती हूँ मैं थोड़ा महाराज जी का जो बन रहा है नया वाला आश्रम, वो ये है देखो, है ना, ये कथा स्थल गौरी गोपाल आश्रम। ऊपर भी है कराओ दर्शन, ये लोग थक गई हैं जो बैठ गई हैं यहीं पर गैलरी में, परेशान है अकेली बाहर बेचारी, का कर रहे हैं, भीड़ बहुत है, सामान ना पा रही है। यहाँ देखो ये चप्पल अप्पल रखने की जगह, आराम से जमा करो जी, हरियाँ जमा, लेकिन हमें जमा ना करी, हमें वो बेलड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पर ढेरों निरो सारो वही उतार देंगे, आलस के माए को जमा करवे जा रहा हूँ मैं बार बार जाके, आलस के माए वही उतार देंगे। अब आ गए हम सबसे नीचे, इधर है महाराज जी का ये ऑफिस, जहाँ पर कोई भी मिलने आता है तो सबसे पहले यहीं पे बैठते हैं, तब गुरुजी आते हैं जब सबसे मिलते हैं यहीं पे, ये ऑफिस है गुरुजी का।
और इधर गुरुजी बैठते हैं, ये मैंने पहले ही दिखा दिया था। और इधर खाना खाने जाते हैं। अभी जेंट्स तो एक भी नहीं दिख रहा, बस एक है ये भैया। जेंट्स की लाइन इधर लगती है और लेडीजों की लाइन उधर लगती है महिलाओं की। तो महिलाएं थोड़ी वहाँ से वहाँ तक हैं और जेंट्स भी एक दो हैं, बस ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, इतनी दूर आए हैं तो हम भी चलते हैं खाना खाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है यहाँ का खाना, टेस्टी लगता है मुझे। और हम आ गए हैं गौरी गोपाल रसोई में अंदर। वैसे मैं यहाँ पर खाना खाऊं ना खाऊं कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए और खाती हूँ, ताकि आप लोग भी देख सको रसोई गौरी गोपाल की कैसी चलती है यहाँ पर, कैसी नहीं। वहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। और यहाँ पे देखो कितना अन्न बिगाड़ते हैं ये लोग, खाते का मैं बिगाड़ती जा रहा हूँ। भाई ये देखो लिखा है, उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। फटाफट पहुँच लीजिए आओ, सारे लोग एक समान है, कोई यहाँ पे वीआईपी नहीं है। आराम से यहाँ से प्लेट उठाइए, आगे जाके खाना लीजिए और खाइए। ये रही प्लेट है, चल ले ली तू, दिखा कहाँ प्लेट। हम घूमने आते हैं इसलिए खाते हैं, वैसे नहीं खाते हैं। प्रचलन नहीं आते खाने के लिए, सिर्फ घूमने आते हैं तभी खाते हैं। राधे राधे, हम इसी में खाएंगे। राधे राधे अंकल, राधे राधे, राधे राधे। ये सारे लोग सेवाएं कर रहे हैं यहाँ पे देखो। राधे राधे मैया, ये मैया सेवा कर रही हैं, ये अंकल हैं, वो मैया हैं, सारे लोग सेवा करने में लगे हैं। ये देखो अंकल हैं, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। राधे राधे दीदी, राधे राधे, राधे राधे। यहाँ पे देखो बस आ जाओ, हमने ले लिया रोटी नहीं ली। हाथ हम पकड़ ली पागल ने, रोटी मैंने जानी लगी ही ना यहाँ आगे। ये देखो विद्यार्थियों के लिए रूम बताया गया है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग बैठ के खाना खाते हैं इस रूम वाले रूम इसमें। चलो पहली सीट मिल गई खाली, विधि सड़क। अंदर भी खा रहे हैं कुछ लोग। हमने ले लिया ये थाली, दो सब्जी थी लेकिन इसने ली नहीं, सिर्फ एक ही सब्जी लेके आई है। दाल चावल रोटी एक सब्जी और थी काशी फल की, उसने ली नहीं पागल लड़के ने। इधर ना नियम से निकलते हैं, पहले निकलेगी आदमियों की लाइन फिर लेडीजों की लाइन निकलती है। इधर ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ के एक साथ निकाल दें, फिर यहाँ पर जगह भी नहीं रहेगी जहाँ पर लगते हैं इसलिए। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पर और मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।